नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार द्वारा चलाए गए एक प्रोग्राम जिसको हम परीक्षा पर चर्चा के नाम से जानते हैं। इस प्रोग्राम में आप किस प्रकार से लॉगिन कर सकते हो, इसमें किस प्रकार से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, इसमें दिए गए प्रोग्राम में आप किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हो और साथ ही इसमें कौन कौन से प्रोग्राम है उसको कैसे जान सकते हो, किस प्रकार से इसको प्रोग्राम में आपको भाग लेना है और इस प्रोग्राम में भाग लेने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट को आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलते हैं हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने गूगल क्रोम के ऊपर। ये मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया, यहाँ पे मैं लिखूँगा परीक्षा पर चर्चा। ये देखिए परीक्षा पे चर्चा आ गया 2021, इसको मैंने क्लिक किया। ये फर्स्ट साइट जो है उसी को आपको ओपन करना है। जिसे आप ओपन करेंगे तो आप इस जगह पे पहुँच जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, इसमें देखिए सबसे ऊपर आपको मिलेगा लॉगिन, आप लॉगिन पे जाएंगे। सबसे ऊपर देखिए लॉगिन लिखा है, यहाँ लॉगिन पे जाएंगे। जब लॉगिन को क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर आपके पास पहले से आईडी है इस साइट के ऊपर तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के अपने आप को इंटर कर सकते हो, यानी कि लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पहले से आईडी पासवर्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको अपने आप को इस साइट के ऊपर रजिस्टर करना होगा। सबसे देखिए नीचे लिखा है रजिस्टर नाउ, आप उसी को क्लिक करेंगे। आप जैसे रजिस्टर नाउ को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की आपके पास एक पेज ओपन होगा। इसमें आपको दो तरीके दे रखे हैं जिसके थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। पहला तो है एसएमएस के थ्रू, या आप अपने मोबाइल नंबर से भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, या फिर आप ईमेल के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हो। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप यहाँ पर अपने ईमेल से अपने आप को रजिस्टर करें। तो सबसे पहले अपना फुल नेम लिखना, जो भी आपका नाम है। जैसे मेरा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी, तो मैं राजेंद्र कुमार तिवारी लिख देता हूँ। यहाँ पर ईमेल डाल देता हूँ, यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी लिखा हुआ है। मोबाइल नंबर डालना है, साथ में फिर डेट ऑफ बर्थ यानी कि डेट, मंथ और ईयर डालना है, जेंडर आपका कौन सा वो डालना है, और साथ में यहाँ लिखा है क्रिएट न्यू अकाउंट। तो क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। इस पेज पर देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है पार्टिसिपेट, आप इस पार्टिसिपेट को क्लिक करिए। ये मैंने पार्टिसिपेट को क्लिक किया तो आप इस तरह के पेज पर आप पहुँच जाएंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, ये जो एक ऑप्शन बना है यहाँ पे, इसको हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार के कुछ ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे लिखा है थीम, तो पहले हम इसी को क्लिक करके देखते हैं। अब यहाँ पे थ्री टाइप की थीम लिखी, पहला है फॉर स्टूडेंट, फॉर पेरेंट्स और फॉर टीचर। तीनों में से कोई भी इसको लॉग इन कर सकता है और इसमें अपने आप को पार्टिसिपेंट बना सकता है, यानी पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं आज आपको स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको किस प्रकार से लॉगिन कर, स्टूडेंट इसमें किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो मैंने इसको पहले क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे कुछ थीम दे रखी कि स्टूडेंट किस थीम में या इनमें से किस थीम के अंदर वो अपने आप को पार्टिसिपेट करवा सकता है, यानी कर सकता है। तो सबसे पहली थीम है एग्ज़ाम्स आर लाइक फेस्टिवल, सेलिब्रेट देम। ये एक थीम है और इसके ऊपर आपको एक ड्राइंग बनाना है, यानी कि एक ड्रॉ अ सीन डिपिसिटिंग अ फेस्टिवल अराउंड योर फेवरेट सब्जेक्ट। इसके ऊपर आपको एक पेंटिंग बनानी है, यानी कि एक ड्राइंग बनानी है और उसको फिर अपलोड करना है, ठीक है। दूसरा जो है वो है इंडिया इज इनक्रेडिबल ट्रेवल एंड एक्सप्लोर। इसके ऊपर आपको यानी कि भारत अतुल्य व अद्भुत है, यात्रा करें और पता लगाएं। और इसको आपको 1500 वर्ड्स में आपको लिखना है इसके बारे में, ठीक है। तीसरी जो है इज वन जर्नी एंड्स अनदर बिगिंस, एक यात्रा के खत्म होते ही दूसरी यात्रा की शुरुआत होती है। इसको भी आपको 1500 वर्ड में कंप्लीट करना है। इसके बाद आपका जो अगला है एस्पायर नॉट टू बी बट टू डू, ठीक है, कुछ बनने की नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने की आकांक्षा। इसको भी आपको 1500 वर्ड में अपने विचार यहाँ पर रखना है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है वो है बी ग्रेटफुल, इसके ऊपर भी आप 500 वर्ड में अपने विचार यानी एक ऐसे लिख सकते हो। लास्ट में आपको दिया है क्वेश्चन टू पीएम, आप पीएम से भी यानी प्राइम मिनिस्टर से भी क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये है पूरी जो एक्टिविटी है वो है एक स्टूडेंट के रूप में, अगर आप एक स्टूडेंट के रूप में इस पे पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इतनी सारी चीज़ें हैं।
अगर आप एक टीचर हैं तो आप टीचर वाले जो लिखा है फॉर टीचर उसको क्लिक कर दीजिए, तो टीचर वाली सारी एक्टिविटी आपके पास आ जाएगी, कौन कौन से भी करना चाहते हो। इसके जब माता पिता यानी कि पेरेंट्स के लिए, तो पेरेंट्स के लिए सारी एक्टिविटी आ जाएगी। तो आप जो भी हो इस तरह से आप अपने आप को देख सकते हो कि आप क्या हैं और आप किस प्रकार की एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट के लिए, तो मैंने स्टूडेंट को क्लिक करके यहाँ पे देख लिया कि कौन कौन सी एक्टिविटी है। ठीक है, ये सब जानकारी मुझे मिल गई। अभी भी मैंने क्या करा है, रजिस्टर कर लिया, ये पता कर लिया कि मुझे किस में जाना है, लेकिन अब मैं करूँगा लॉगिन। तो मैं जाता हूँ लॉगिन वाले पेज पे, क्योंकि अब मैंने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर कर लिया, तो मुझे अपना लॉगिन पासवर्ड पता है। तो इस पर अब सबसे ऊपर जो दिख रहा है लॉगिन ईमेल और पासवर्ड जो लिखा है, इसके थ्रू मैं अब अंदर इसमें लॉगिन करूँगा। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आप इस पेज पे पहुँच जाओगे और यहाँ पे देखिए आपका नाम भी लिखा जाएगा कि आपने किस नाम से आपने आपको लॉगिन किया है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ आएगा पार्टिसिपेट नाउ, तो यहाँ पे हम पार्टिसिपेट नाउ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक किया हमने तो ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, इसमें से किस फॉर्म में आप अपने आप को पार्टिसिपेट करते हो, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेट, मैंने एज अ स्टूडेंट मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक कर दूंगा। तो इस प्रकार का फॉर्म आपके पास ओपन होगा। ठीक है, सारा फॉर्म है ये, इस प्रकार का फॉर्म आपके पास ओपन होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, फुल नेम, इसके बाद अपना ईमेल आईडी डालेंगे, इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर सेलेक्ट जो भी आपका जेंडर है वो जेंडर डाल देंगे यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ डालना है, क्लास डालना है कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं, फिर पेरेंट्स नेम डालना है, अपने पापा का नाम डालना है यहाँ पे, इसके बाद स्कूल का आपको पूरा डिटेल देनी है, स्कूल का नाम क्या है, कौन सा बोर्ड है, वो CBSE बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, जो भी है वो आपका नाम, उसका नाम डालना है, साथ में एड्रेस डालना है स्कूल का, स्कूल कहाँ पर है, कंट्री इंडिया ऑलरेडी है, इसे कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में आप वो स्कूल है वो डालना है, इसके बाद जिला कौन सा पड़ता है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वो कौन से ज़िले में आता है, साथ में उस सिटी का, जिस सिटी में आप रहते हैं मतलब स्कूल जिस सिटी में, उसका पिन कोड क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डालना है। इसके बाद नीचे आते हैं, इसके बाद आता है थीम, किस सब्जेक्ट पर आपको अपना जो पार्टिसिपेट करना है वो किस सब्जेक्ट पर करना है, तो हम वापस क्लिक करते हैं, तो ये सारे जो चार मैंने उस पहले बताए थे वो चारों यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसमें से जिसमें भी आप जाना चाहते हो वो आप यहाँ पे जा सकते हो। तो जैसे पहला वाला एग्ज़ाम आर्ट लाइक फेस्टिवल सेलिब्रेट, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो एक फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ड्राइंग वाला था। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे इस टाइप का आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा रहा है चूज़ फाइल, यानी कि आप पहले से ही जो आपने ड्राइंग बनाई है उसकी एक फ़ोटो खींच लेंगे, वो आपके मोबाइल में रहेगी, और जैसे यहाँ पे चूज़ फाइल आएगा, जैसे मैं चूज़ फाइल को क्लिक करूँगा तो यहाँ से मुझे वो पूछेगा एक्सटेंशन कि कहाँ पर वो फाइल पड़ी हुई है, आप उसको क्लिक करके वो फाइल को यहाँ पे लाके और अपने आप इस यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। एक तो ये है अगर आप किसको चूज़ करते हो, फर्स्ट वाले को, लेकिन अगर मान लो आप सेकंड थर्ड या फोर्थ में से किसी को चूज़ करते हो, अगर हम इसमें थर्ड वाले को चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको वो जानकारी देना एज वन जर्नी एंड्स अनदर बिगिंस 1500 वर्ड्स के अंदर, इसको आपको पूरा लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो यहाँ लिख सके तो ठीक है, या फिर आप पहले से लिख के रखिए और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दीजिए। मान लीजिए मेरे पास पहले से लिखा हुआ है कहीं पर, मैं उसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। सपोज़ करिए यहाँ पे मेरे पास ये पूरा लिखा हुआ है, इसको मैं पहले कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर लाके मैं उसको पेस्ट भी कर सकता हूँ। ये मैंने गया, ये पेस्ट का बटन आ गया, इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, ये सारी चीज़ मेरे पास आ गई है। ठीक है, ये पूरा आपको यहाँ पर मिल गया कि आपने क्या क्या चीज़ यहाँ पे की है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे सिर्फ आपको अब अगर आप चाहें तो ये पीएम से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यहाँ पीएम को क्वेश्चन भी कर लीजिए जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, और इसके बाद सबमिट वाले बटन को क्लिक करना है। ठीक है, तो आप इस पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड, और यहाँ पे लिखा रहा है डाउनलोड सर्टिफिकेट। अब हम डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड होने वाला है, तो हम इसको डाउनलोड कर देते हैं, ये डाउनलोड हो गया है, अब इसको हम ओपन करके देखते हैं। देखिए ये मेरा सर्टिफिकेट है राजेंद्र कुमार तिवारी, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको पूरा कर लिया है। इस प्रकार से आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम जाए तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।